Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum friends, welcome back in infopoint friends. Kuch doston ke ye question aa rahe the ke FIA mein kaise apply kiya jata hai, to bhai maine pehle bhi bataya hai ke www.jobs.fia.gov.pk is par ja ke aap apni registration karwa sakte hain. Aapne simply bilkul aasan tarin method hai, phir bhi agar aapko nahi karna apply aa raha तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को बताऊंगा. तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जिन दोस्तों ने अप्लाई कर दिया है और वो अब टेस्टों के इंतज़ार में और भर्ती शेड्यूल मुकम्मल तरीका का इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलेगा. और उससे पहले जिन दोस्तों ने व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन नहीं किया, ऊपर दिए गए नंबर पर क्लिक आप हमें मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन ज़रूर जी. डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसकी मदद से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. तमाम तर मालूमात आपको वहां पर भी फराहम कर दी जाएगी. इसके अलावा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा कीजिएगा. कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि वीडियो थोड़ी सी देख लेते हैं, कमेंट कर देते हैं कि फ़लाँ हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वीडियो में मौजूद होता है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा. इसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है. इन्फोपॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें. सबसे पहले जी बात करते चले, जो दोस्त अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनको मैं फिर एक मरतबा रिपीट कर रहा हूँ कि jobs.fia.gov.pk पर आप अपनी जाके बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. जो जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जाती है आप वहाँ पर दर्ज करें. उसके बाद तमाम तरह रिक्वायरमेंट दर्ज करने के बाद आपसे आपके दो मोबाइल नंबर तलब किए जाते हैं. जो जो रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, तमाम तरह रिक्वायरमेंट दर्ज करने के बाद जो आप मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं, जब भी कोई इनका शेड्यूल मुतारफ होगा इसके लिए जो हाइट वेट सब कुछ जो मेंशन है आप उसको एक मरतबा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वाज़ह तौर पर पढ़ लें ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े. तो तमाम तर तफसील पढ़ने के बाद जो आप नंबर दर्ज करेंगे उस नंबर पे आपको बजरिया SMS या बाद में जो भर्ती शेड्यूल लगाया जाएगा वो आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा. अप्लाई करने का जो तरीका कार है वो सबसे पहले आपने एक अपनी ईमेल के ज़रिए रजिस्टर होना है इस वेबसाइट पे. उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट करवाना है, या अगर आप नहीं करवा सकते तो आप अपने किसी भी करीबी कंप्यूटर शॉप पर जाएं और वहां पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं. अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको जो भी शेड्यूल आता है उससे रिलेटेड आपको बता दिया जाएगा. तो इसके जो तरीक़ाकार है वो ऐसे है कि पहले आपका फिज़िकल मेजरमेंट होगी, उसके बाद आपका रिटर्न होगा. रिटर्न 100 नंबर का होता है. इसकी तैयारी के लिए बेशुमार आपको बुक्स आपके करीबी बुक स्टॉप से मिल जाएंगी, तो मुतालिया. तो जनाब जिस पोस्ट के ज़्यादा चांस होते हैं वो है कांस्टेबल. इस पे ज़्यादातर चांस होते हैं क्योंकि इसकी वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि इसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं. ज़रूर अप्लाई कीजिएगा. अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर भी आप हमें कमेंट काट सकते हैं. मैं आप तमाम दोस्तों को एक सजेशन करूंगा कि FIA में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा. उसकी वजह ये बहुत अच्छी नौकरी है और इसकी इनकम जो है वो स्टार्टिंग 45 से 50 हज़ार रुपये. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा. कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.